स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। इस चैनल पे हम डेली ट्रेंडिंग न्यूज को एनालाइज करते हैं और जानते हैं उनके ट्रेंड में आने की वजह को। चलिए आज हम बात करेंगे दो ट्रेंडिंग न्यूज को लेकर। पहली न्यूज ये है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया और इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। दूसरी एक खबर है कि इंडिया ने अपने इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट तेजस को वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, मतलब कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया। चलिए इस पे एक करके बात करते हैं इन दोनों न्यूज पे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सीबीआई प्रोब इनटू सुशांत सिंह राजपूत डेथ। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया कि सीबीआई ही इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद से ही सभी लोग खुशी के मारे इस ट्रेंड को कराने की पहली जीत हुई है हम सबकी। सीबीआई को अप्रूव कर दिया गया है क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस जांच कर रही थी किसी को भरोसा नहीं हो रहा था उन पे और तभी से हर कोई मांग कर रहा था सीबीआई जांच हो इस मामले की और ताकि सबको सच्चाई पता चले क्योंकि हमें मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं किया था। उसके बाद जब बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया तो उनके आईपीएस अधिकारी को ही उन्होंने क्वारंटीन कर दिया और इसके बाद से इस मामले ने और एक नया मोड़ ले लिया। आखिर क्यों एक आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया जो जांच के लिए वहां पे गया था? तब उसके बाद से बिहार गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद से सीबीआई को अप्रूव भी कर दिया गया था सेंट्रल और इसके बाद जिस रिया ने रिक्वेस्ट किया था अमित शाह से कि सीबीआई जांच इस पे होनी चाहिए स्क्रीन पे आप उनके ट्वीट को भी देख सकते हैं आप सभी लोग उनके ट्वीट को देख सकते हैं उन्होंने कैसे रिक्वेस्ट किया था अमित शाह। और इसके बाद जब सीबीआई को अप्रूव कर दिया गया तो उनके सुर ही बदल गए। सीबीआई प्रोब इन सुशांत राजपूत केस से लीगल अगेंस्ट फेडरलिज्म ऐसा बोला इन्होंने। जब तो कुल मिलाकर ये अपने बयान से ही मुखर गए जब सीबीआई को जब इसकी जांच का अधिकार मिल गया तब। अब मैं रिया चक्रवर्ती की हालत आप सभी को बताने वाला हूँ जब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है सीबीआई को। ये गान फट गया। तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले और चलिए बढ़ते वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि रोज हम आपके लिए वीडियो लाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर चाहे किसी भी सेक्टर की हो, डिफेंस की हो, पॉलिटिक्स की हो या फिर सोशल साइड की हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपडेट है वो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो इंडियन एयरफोर्स ने अपने स्वदेशी निर्मित तेजस एयरक्राफ्ट को वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। वेस्टर्न बॉर्डर मतलब कि जो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है। इस तैनाती के बाद वायुसेना ने यह साफ कर दिया कि इंडियन एयरफोर्स दोनों तरफ से तैयार है, पाकिस्तान साइड से भी और चाइना साइड से भी। और ये तैनाती इस मामले में खास है क्योंकि एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, मतलब इसे भारत ने खुद से तैयार किया है, खुद से बनाया है। और इसे पहली बार बॉर्डर के पास तैनात किया गया है। इससे पहले इसे तमिलनाडु के सुलोर एयरबेस में तैनात किया गया था स्क्वाडन नंबर 45। इस एयरक्राफ्ट को वहां से उठा के वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात किया गया। ये शो कर रहा है इंडियन एयरफोर्स का तेजस के प्रति कॉन्फिडेंस को। इससे पहले इस एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, क्यों इसे बॉर्डर पर तैनात नहीं किया जाता है, क्या इसमें कमी रह गई है। उन सभी को आखिर ये जवाब मिल गया कि इंडियन एयरफोर्स ने इसे तैनात कर दिया है बॉर्डर के पास और इसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैनात किए। और साथ ही इस एयरक्राफ्ट के एक इम्प्रूव वर्जन का नाम है तेजस MK1 है जिसकी 83 एयरक्राफ्ट की डील होने वाली है इस साल के अंत तक। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं और आशा करते हैं आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपके लिए रोज ऐसी न्यूज मिलती रहे।